हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू यहाँ पे एक्साइज कॉन्स्टेबल के पोस्ट निकला है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन में जाके एप्लीकेशन करना होगा। इसका डिटेल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक्साइज कॉन्स्टेबल कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट 2018 में होने वाला है, जिसके लिए एप्लीकेशन शुरू होने वाला है 26 दिसंबर 2018। लास्ट डेट है 9th February 2019 एंड लास्ट डेट ऑफ पे एग्जामिनेशन फीस जो है 13th February 2019, लास्ट डेट ऑफ कंप्लीट फॉर्म 16th February 2019। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा 800 रुपीज़ फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट। एससी एसटी के लिए 200 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी 518 पोस्ट है दोस्तों, 518 पोस्ट एंड पोस्ट एक्साइज कॉन्स्टेबल के लिए टोटल जो पोस्ट है 518, जिसको जनरल वालों के लिए 264 एंड ओबीसी के लिए 44, एससी एसटी के लिए एससी के लिए 50 एंड एसटी के लिए 138, ईबीसी के लिए 22। एज लिमिट के बात करें तो यहाँ पे आपको 18 से 25 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है 18 इयर्स और मैक्सिमम एज है यहाँ पे 25 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एलिजिबिलिटी जो कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे माध्यमिक या 10th क्लास पास होना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फिजिकली टेस्ट भी यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको रिटेन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, फिजिकली टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे जनरल ओबीसी वालों ईबीसी के लिए आपको हाइट आपको मेंटेन रखना होगा। हाइट है 160 सेमी, जिसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते। चेस्ट रहेगा 81 सेंटीमीटर। एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर, चेस्ट है 79 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए हाइट है 148 सेंटीमीटर। रनिंग टेस्ट के लिए दोस्तों, यहाँ पे रनिंग मेल के लिए 10 किमी इन 60 मिनट एंड रनिंग फीमेल के लिए 5 किमी इन 40 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे फिजिकली जो एलिजिबिलिटी है उसको भी मैं यहाँ पे डिटेल बोल दिया है। अगर आपको पास ये सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा एप्लीकेशन के लिंक, जो एक्टिवेट होगा 26 दिसंबर 2018, उसी दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है 26 दिसंबर 2018, उस दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में जाके। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है उसका भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके एप्लीकेशन जो कि डाउनलोड करके इसका ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। और कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आता है फॉर्म फिलअप करने के वक्त, आप लोग कमेंट करके या मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के पेज भी नीचे दिया है, आप लोग वहाँ से बोल सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।